हेलो फ्रेंड, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट वट पूर्णिमा का सब सामान लाने के लिए। अभी कितने 9:15 बज रहा है, आई एम श्योर अब तक मार्केट पूरा बैठ गया होगा। मैं जाने वाली थी 8 बजे ही, पर आई वाज लाइक इतना जल्दी जाके कोई मतलब नहीं, अगर फिर पूरा सामान नहीं मिला तो फिर से जाना पड़ेगा, उससे अच्छा थोड़ा रुक के जाती हूँ। तो अभी 9:15 हो गया, अभी मैं जा रही हूँ, स्कूटी लेके जा रही हूँ। और चलिए लेट्स गो, करते हैं वट पूर्णिमा का डे स्टार्ट, प्रिपेरेशन स्टार्ट, ब्लॉग को स्टार्ट। मार्केट में इतनी भीड़ थी, बाप रे, सब जन मतलब खरीदी के लिए ही निकले थे कल की पूजा की तैयारी के लिए। एंड फाइनली ये देखिए मेरे मेहंदी का कलर, अभी तो धीरे धीरे चढ़ेगा। और वैसे भी मेरे को मेहंदी उतना चढ़ता नहीं, कलर ऐसा डार्क नहीं होता है, बट एवरेज आ जाता है। तो अभी धीरे धीरे इसका कलर चढ़ता जाएगा, बट अच्छा है, कलर अच्छा दिख रहा है। और हेयर कलर भी मेरा सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, चेंज कुछ अच्छा नया लग रहा है। और हेयर कट भी किया तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा निशु भी बोल रहे थे कलर बहुत अच्छा दिख रहा है, थोड़ा तेरा लुक चेंज लग रहा है, यू आर लुकिंग लिटिल डिफरेंट एंड नाइस। सो अभी मुझे 12:30 को सानू के स्कूल का मीटिंग अटेंड करना है, जूम ऐप पे ही अटेंड करना है। सो मैं जाऊँगी किचन में, थोड़ा सा खाना बना के रख देती हूँ, और फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद बाद में गरम गरम चपाती बनाएंगे। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, आज मैं पूरा वट पूर्णिमा का तैयारी करने वाली हूँ। मुझे साड़ी निकाल के रखना है, जो सबसे मेन टास्क है मेरा, टू डिसाइड कि मेरे को कौन सी साड़ी पहननी है। वही मेरे लिए बहुत टाइम ले लेता है कि क्या पहनूँ, कौन सा पहनूँ। और उसके बाद ज्वेलरी उस पर डिसाइड करना है, फिर नेल पॉलिश लगाना है, मुझे भी लगाना है, मम्मा को भी लगाना है, सानू को देखते हो अगर उसको कुछ करना है, उसको भी थोड़ी सी मेहंदी लगानी, बोल रही थी मम्मा मुझे भी लगाना। सो यू ऑल कीप वॉचिंग, मैं आप लोगों को पूरा शेयर करूँगी कैसे मैं पूरा तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी से ही धीरे धीरे सोच रही हूँ कि कल से कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन सी साड़ी मैं रेडी हो जाऊँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग टू शूट अ मराठी मेकअप लुक व्लॉग, जैसे प्रॉपर नथ वगैरह पहन के मराठी लुक वाला एक मेकअप लुक क्रिएट करूँ। तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, सो लेट्स सी कितना क्या क्या होता है। अभी के लिए तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड पीपल हु आर न्यू टू माई चैनल, मैं बहुत दिन से बोलना भूल गई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। और अभी हमारी ये फैमिली पूरा 6000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है। ऐसे ही हम ऐसे बढ़ते रहे, आगे जाते रहे, बहुत सारे जन हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे फैमिली के साथ। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो ये देखिए मम्मा का मेहंदी कितने अच्छे से कलर आ गया है, आगे पीछे दोनों साइड में, पीछे दिखाओ मम्मा। और अभी मम्मा का धीरे धीरे कलर चढ़ता जाएगा, ये देखिए। और डिज़ाइन भी कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर बारीक बारीक डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो और डार्क होगा, और शाम को तो हम लोग रात को दूसरे हाथ पे भी निकालेंगे। मैंने सानू को डांट दिया तो देखो सानू कहाँ जाके बैठ गई है, उसका ये फेवरेट जगह है, उसको कभी भी कोई डांट देना तो अभी बस वो जो बेडरूम खाली रहता है ना वो बेडरूम में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और बेड के बाजू में जाके चुपचाप बैठ जाती है। तो अभी वो मेरे से नाराज़ है, अभी उसको मनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको डांट दिया, ब्रश नहीं कर रही थी तो इसलिए रूठ गई है मम्मा से, है ना नानो। अब कुछ भी जवाब नहीं देगी वो, जब तक उसका मूड नॉर्मल नहीं होगा तभी उसको बहुत लाड प्यार पैम्पर करना पड़ेगा, तभी वो नॉर्मल पे आएगी। या तो उसको मोबाइल दूंगी ना तब थोड़े सा मूड में आ जाएगी। नानो ब्रश फास्ट एंड कम। हम लोगों ये घर में शिफ्ट होके मोर देन 6 मंथ्स हो चुका है, लेकिन जब भी हम लोग मार्केट जाते थे तो वो बारीक वाली मेथी कहीं पर भी दिखती नहीं थी। हम लोगों ने स्टेशन पे भी ढूंढा, बहुत अंदर अंदर जो मार्केट है वहाँ पे भी ढूंढा, पर कल फाइनली शाम को जब मैं निशु के साथ गई थी तभी मुझे ये देखे बारीक मेथी मिल गया है। 10 रुपये का 5 लगाया था, फिर उसने 6, 7, 8 में करते करते 10 रुपये में 8 जोड़ी दे दिया छोटा छोटा। तो मम्मा ने अभी इसको अच्छे से कट करके क्लीन करके वॉश करके रख दिया, अभी बस मुझे इसको कुक करना है। और हमारे घर में बारीक मेथी सबसे ज़्यादा डैडी को पसंद है, उनका फेवरेट है, उनको चपाती और बारीक मेथी की जो भाजी होती है ना वो बहुत पसंद है। तो ही वॉज़ वेटिंग के यहाँ पर आए, तब से एक बार भी खाने नहीं मिला है। तो आज हम लोग को इतनी खुशी हो रही कि फाइनली बारीक मेथी मिल गया है, और आज हम लोग बस चपाती के साथ इसको एंजॉय करने वाले। ये रेसिपी मैं आप लोगों को एकदम शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तेल में मैं डालूँगी ज़रा सा हींग, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो ये 5 से 6 लहसुन है और 1 हरी मिर्ची है, ये ऐड करना है। और इसको हल्का सा भून के लेना है, लहसुन को लाल नहीं करना है और कच्चा भी नहीं रखना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए बस उतना इसको सर्व करना है। तो ये देखिए मिर्ची और लहसुन हल्का हल्का फ्राई हो गया है। अभी उसमें ये मैंने 2 मीडियम साइज़ का कांदा लिया, इसको फाइनली चॉप करके लिया है, ये ऐड करेंगे। तो ये कांदा ऐड हो गया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। और अभी इसको कवर करके कांदा अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, एकदम सॉफ्ट नरम हो जाना चाहिए, बस कवर कर दीजिए और कुक करके ले लीजिए। तो ये देखिए कांदा अच्छे से कुक हो गया है, अभी हमें इसमें हल्दी ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, हल्का सा मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने ये देखिए मेथी को जो वॉश करके रखा था उसको
रफली ऐसा चॉप कर दिया है। अभी ये मेथी में इस कांदे में ऐड कर दूँगी। सो मैंने मेथी ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लूँगी और अभी इसको कवर करके 10-12 मिनट स्लो गैस पे कुक करके ले लूँगी। सो भाजी हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया है। अभी गैस को बंद कर देना क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से पक गया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा वापस सॉल्ट और थोड़ा सा शक्कर डालूंगी क्योंकि सॉल्ट हमने स्टार्टिंग में कांदे में ही डाला था, तो थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा शक्कर डालेंगे। सो इसमें मैंने सॉल्ट और शक्कर ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस अभी बंद है तो लास्ट में अभी इसमें ये जो फ्रेश कोकोनट है ये डालना है गैस बंद करने के बाद। और सर्व करते समय आप इसको वापस मिक्स कर लीजिए, गरम कर लीजिए और सर्व कर दीजिए, एंड देन यू कैन एन्जॉय। जब हम लोग छोटे थे ना और जब भी वट पूर्णिमा आता था तो मेरी मम्मी मतलब 5 फ्रूट लगता है ना तो सब 5 फ्रूट लेकर आती थी, तो हर फ्रूट ना मम्मा एक्स्ट्रा लेकर आती थी, जैसा मैंगो, बनाना, फनस और जामुन सब एक्स्ट्रा लाती थी क्योंकि पूजा के इसमें से तो लेके नहीं खा सकते, वो पूजा के लिए अलग से होता था। और हम लोग को वो 5ों फ्रूट इतना पसंद आता था कि देखो अभी मैं भी सुबह गई थी तो मैंने 1/2 किलो पूजा के लिए ले लिया और 1/2 किलो अलग से हम लोग को खाने के लिए लिया। तो ये देखिए बदमाश कैसे खा रही, कल जामुन भी खा लिया जो मैं अलग से लेकर आई थी। और ये तो मुझे पूरा मेरा बचपन याद आ रहा है, जैसा मेरा भाई और मैं बैठ के एंजॉय करते थे और इतना अच्छा लगता था, घर में इतने सारे फ्रूट्स ये वो फूल सब आता था ना, देख के इतना अच्छा लगता था। और मम्मा यहाँ पे बैठी है नीचे हार बनाने के लिए, और वो जो बारीक मनी होता है 5 बनाना पड़ता है वो भी मम्मी ने बना लिया है। और आप लोगों को तो पता है मम्मा होममेड हार ही बनाती है, इसलिए मैं मार्केट से सिर्फ फूल लेकर आई हूँ 50 रुपये का। और अभी मम्मा अपने हिसाब से जैसे मम्मा को पसंद है वैसा आराम से बैठ के बनाएगी। और हम लोग नीचे भी जाकर आए, सानू साइकिल भी चला के आ गई है और अभी ये एक बार मम्मी का हो जाए उसके बाद हम लोग नेल पॉलिश लगाएंगे और मेरा साड़ी वाड़ी भी सब निकाल के रखना है, ज्वेलरी निकालना है, सो यस। और फिर रात को मेहंदी लगाना है। इस बार ना सच में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं मेरे कलेक्शन में से कोई साड़ी लूँ या मम्मा के कलेक्शन में से लूँ, क्योंकि मम्मा के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये देखिए मम्मा के पास एक से एक कलर की साड़ी है, जो भी कलर आप बोलो ना सब कलर की साड़ी मम्मा के पास है। और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई पूछ रहा था कि आप लोग साड़ी कहाँ से परचेस करते हो, तो हम लोग ना सब जगह से लेते, जहाँ पसंद आता है वहाँ से ले लेते। मोस्टली जो मम्मा की साड़ी, ये जो कलेक्शन आप देख रहे हो ना ये सब विरार का है, विरार स्टेशन के पास जो मार्केट है वहाँ पर भी बहुत अच्छा, जनता बाज़ार है वहाँ पर अच्छा मिलता है साड़ी। भाईंदर बॉम्बे मार्केट से मैंने कुछ खरीदा है, कुछ मैंने सेंटा क्रूज वेस्ट में जो सेंटा क्रूज मार्केट है पूरा साड़ी का वहाँ से लिया है, विले पाले मार्केट से लिया है। तो ऐसे सब जगह का मिक्स है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है जहाँ से मम्मा साड़ी परचेस करती है, जहाँ जो पसंद आता है हम लोग वो ले लेते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस बार मम्मी के कलेक्शन में से कोई एक साड़ी पहनूँ, और मैंने ना 5 साड़ी शॉर्टलिस्ट करके रखा, मैं वो भी आप लोग को दिखाती हूँ। 5 साड़ी है ना जो शॉर्टलिस्ट किया है, ये एक पीकॉक ग्रीन कलर का है, दिस इज़ मरून, दिस इज़ ब्लू और ये येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन है, और ये बांधनी रेड कलर का है। सो अभी मैं सोचूँ इनमें से ही कोई एक मैं डिसाइड करती हूँ क्योंकि सब में गोल्डन ब्लाउज चलेगा। तो अभी आप लोग भी तब तक सोच के रखें कि कल पूजा में मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ इन 5ों में से, एंड बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इनमें से मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। बेका जो मेथी का भाजी बनाया था वो तो है, तो मम्मी अभी भाकरी बनाएगी, मेथी की भाजी और भाकरी। और ये जो राइस बच गया है ना इसका अभी मैं फोड़नी का भात बनाने वाली हूँ, जो हम लोग महाराष्ट्रन स्टाइल में बनाते हैं वैसा सिंपल इजी फोड़नी का भात फट से बन जाएगा, फिर मैं जाऊँगी मेरी बाकी की तैयारी करने के लिए। सो ये देखिए फोड़नी का भात रेडी हो गया है, सब इस पर ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे एंड दिस इज़ रेडी। नेल पेंट सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि नेल पेंट लगाना भी ज़रूरी है। अभी मैंने जो लगाया है वो ये गोल्डन कलर, और मेहंदी पे ना ब्राइट कलर अच्छा लगता है, तो ये है मेरा नेल पॉलिश कलेक्शन। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था आपका नेल पेंट कलेक्शन दिखाइए, सो ये देखिए मेरा सुंदर सा नेल पेंट कलेक्शन, मेरे पास ऑलमोस्ट सब कलर है, पिंक, ब्लू, ग्रीन, फिर ये ग्लिटर वाला भी है, बहुत अच्छा लगता है। देन आई हैव गॉट सिल्वर, ये सिल्वर ग्लिटर वाला है, और कहाँ गया, ये स्किन कलर है, ये रहा सिल्वर, ये भी ग्लिटर वाला है लेकिन इसका स्पार्कल छोटा छोटा है। रानी कलर है, दिख रहा है आपको, हाँ रानी कलर है, फिर ऐसा पीच कलर भी है, नाइस पीच कलर, ऑलमोस्ट सब कलर है मेरे पास। ये भी रही हूँ इसमें से ना कौन सा कलर लूँ, आई एम थिंकिंग टू टेक ब्राइट कलर, तो पहले एक पिंक निकालते हैं, रेड कहाँ गया, रेड और एक मरून निकालते हैं, आई थिंक आउट ऑफ दिस ओनली आई विल डिसाइड, मरून, पिंक या तो रेड, इन तीनों में। सो
सो ये तो आप लोग ने मेरा कलेक्शन लास्ट टाइम जो मैंने ड्रेसिंग टेबल टूर दिया था उसमें देख ही लिया है, नहीं देखा होगा तो जाके पूरा देख लेना। सो पहला क्या निकालते हैं, हेयर एक्सेसरीज निकालते हैं। ये रेड वाला फूल तो लगेगा बिकॉज गजरा भी मैं लाई हूँ, लेकिन उसके साथ ये भी लगाऊंगी। और ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए मुझे कल शायद लगने वाला है, सो आई विल रिमूव दिस ऑल्सो। लास्ट टाइम मैंने ये पहना था तो इस बार ये नहीं पहनेंगे, इस बार गोल्ड का ही निकालती हूँ। सो ये इयररिंग्स निकालती हूँ। ये एक ठुशी है जिसमें सब बीच में 1 2 3 4 5 है, और दूसरा जो है उसमें ये सिंगल है। तो आइदर आई विल वेयर दिस और आई विल वेयर दिस। और ये बड़ा वाला भी है, इसको बोलते हैं कोल्हापुरी साज बोलते हैं। ये है, ये भी नवारी में पहना जाता है। सो आई थिंक आई विल इसमें से कॉम्बिनेशन करेंगे तो अच्छा दिखेगा। बैंगल्स डिसाइड करते हैं कौन सा बैंगल पहनूँ। ये भी मैंने दो निकाल के रखा है, रेड एंड गोल्डन है, और इसमें सब गोल्डन कलर का है, और इसमें तो सब मिक्स है, ग्रीन भी है, सिल्वर भी है, गोल्डन भी है। तो पहले तो ग्रीन तो कंपलसरी है, तो ग्रीन वाले तो निकालना ही पड़ेगा। इसके साथ चाहिए तो मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ, बट ग्रीन तो इज़ मस्ट। तो मैं ये सब ग्रीन कलर के जो है ना ये निकाल देती हूँ। देखिए मैं मेरी तैयारी कर रही हूँ और ये सब नेल पॉलिश निकाल के ये देखिए लाइन से लगा के बैठ गई है। और अभी आप लोगों को अच्छे से मेरा कलेक्शन दिखाई देगा। अच्छा सानू तुमने किया, तो ये देखिए मेरा पूरा नेल पॉलिश का कलेक्शन और बाकी है। सानू ने पूरा लाइन से लगा दिया। हाँ वो भी लगा दो। तो ये बचा हुआ 3 भी सानू ने रख दिया जो मैंने निकाला था। ये मैंने ना अभी जस्ट काउंट किया, ये टोटल 20 नेल पॉलिशेस है। इसमें से तो आई थिंक 10-12 तो मैं भाईंदर से विरार आते वक्त मैंने फेंक दिया क्योंकि वो सूख गए थे। बट ये देखिए आई हैव टू मैच विथ माई ड्रेस एंड आउटफिट। ये देखिए क्यूट सा मेहंदी निकाला, उसका नाम निकाला है सानवी, साने, फ्लावर और स्माइली, और पीछे भी एक छोटू सा फ्लावर निकाला है। बहुत मुश्किल से सानू कन्विंस हो गई है, अभी सूखने आया है, उसको पेशेंस नहीं हो रहा है कब सूखे और मैं धो लूँ, उसको ऐसा हो रहा है। लास्ट फिनिशिंग टचअप कर रही है, तो ये देखिए मम्मा दिखा दो डिज़ाइन। तो आज हम लोग ने कुछ ऐसा डिज़ाइन निकाला है, सिंपल सा। पीछे करो मैं क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है और लेट हो गया, और मम्मी ने भी मरून कलर का नेल पॉलिश लगा दिया दोनों हाथ में। तो मम्मी ने मरून लगाया तो मैंने भी मरून लगा दिया, सेम रेड नहीं लगाया फिर हम लोग ने। तो मैंने भी ये हाथ में मरून लगा दिया है और ये हाथ में भी मरून लगा दिया है। सिर्फ अभी मुझे थोड़ा सा मेहंदी निकालना बाकी है। क्यूट सा मेहंदी फ्लावर देखिए मुझे मम्मा ने निकाला, कितना सुंदर निकाला है। जम नहीं रहा था मम्मा को ठीक से, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा निकाला है। सो दूसरे हाथ में भी थोड़ा सा लगा दिया। और जस्ट अभी हम लोग बाजू से आ गए, दीदी का 12 बज गया है बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। हम लोग जैसे गए उसको विश करने के लिए, वैसे ही उसकी ट्यूशन टीचर भी उसके लिए एक अच्छा सा केक लेकर आई मेहरवान्स का। तो हम लोग सब ने मिलकर उसका केक काटा, उसको इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, फाइनली हर बर्थडे, हर डे हैज स्टार्टेड। सो येस दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। अभी सारा देखो वहाँ से केक लेकर आई और अपना केक एंजॉय कर रही है। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में। कल है वट पूर्णिमा, कल का व्लॉग भी देखना। सो येस गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।